दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के पास कॉल कैसे करें। दोस्तों अगर आप भी फ्लिपकार्ट कस्टमर के पास कॉल करना चाहते हैं, हो सकता है कई सारे आपके रीजंस हो सकते हैं, आपको पेमेंट रिटर्न कराना है, रिटर्न नहीं हो रहा है, या फिर आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, फिर आपका कुरियर आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, ठीक है, या फिर अदर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो इसके लिए दोस्तों आप जो है कस्टमर केयर के पास कॉल करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट, तो दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं, कहां से आपको करना है, चलिए बताते हैं उसके बारे में। और जानने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहां पर आप अपने फ्लिपकार्ट को ओपन करेंगे और यहां पर आपको अपने अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग लेगा और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी आपने ऑर्डर वगैरह रिटर्न या डिलीवर्ड हुए हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे आई वांट टू कॉन्टैक्ट द सेलर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट प्लेस विच द थर्ड पार्टी सेलर इन प्रोडक्ट डो कस्टमर, यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई पेमेंट वगैरह कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो दोस्तों उसके लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक है फॉर एड्रेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट में नीचे दिया रहता है, पूरा एड्रेस दिया रहता है, उसके बाद नीचे यहाँ पर ये देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, तो यहाँ से आप उसका नंबर से कॉल कर सकते हैं। बाकी ये छोटी सी जानकारी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना।